हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और तैयारी कर रहे होंगे एचपी पुलिस एग्जाम की। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस में नई वैकेंसी आउट हो चुकी है, जिसके फॉर्म फिलअप होने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। तो अभी तक अगर आपने फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो सबसे पहले जाकर अपना फॉर्म फिल आउट कर लीजिए। और आज हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस में जो मैथमेटिक्स से जो भी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं वो किन टॉपिक से आने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पे मैथमेटिक्स के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप थोड़ा सा समय लगाकर उसमें बिल्कुल सटीक आंसर आप निकाल सकते हो। तो मैथ में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो उसके लिए आज हम बात करेंगे कि मैथ में टॉपिक कौन कौन से है जो आपने एचपी पुलिस एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो पहला टॉपिक है वो है बोर्ड मास। बोर्ड मास आपको पता ही होगा, जिसमें प्लस माइनस वगैरह के क्वेश्चन आते हैं जो कि स्कूल में शायद 6th 7th 8th क्लास में शुरू हो जाते हैं। तो बोर्ड मास बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो इसके आपने बहुत सारे क्वेश्चन कलेक्ट करके उनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। अगर आप कहीं पेन पेंसिल लेकर बैठे हैं तो इन टॉपिक्स को नोट कर ले। ये ही टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और इन टॉपिक्स से बाहर आपको कुछ भी नहीं एग्जाम में आने वाला है। तो इन टॉपिक्स को बहुत बेहतरीन तरीके से आपने तैयार कर लेना है। अपने पहले किसी कॉपी में नोट आउट कर ले कि आपने इन्हीं टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करना है। इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका नंबर सिस्टम। उसके बाद आता है आपका दोस्तों नेचुरल नंबर, होल नंबर्स। नेक्स्ट है आपका इंटीजर्स। उसके बाद है रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। तो इनसे रिलेटेड आपको हर एक तरह के प्रश्न बनाने आने चाहिए, सॉल्व करने आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आप किसी भी एक बुक को, बीजगणित की बुक को प्रेफर कर सकते हैं, कोई भी बुक जिसमें इस तरह के प्रश्न पाए जाएंगे उनको आप जरूर देख लें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। इससे भी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इन हर टॉपिक्स में से एक एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो हर एक टॉपिक को आपने अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे परसेंटेज। परसेंटेज के क्वेश्चन तो लगभग आज तक सभी एग्जाम में मैंने देखे हैं कि सभी एग्जाम में आए हैं। तो परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को आपने बिल्कुल क्लियर करना है, अच्छे से उसको सॉल्व करना है। परसेंटेज से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपने नोट आउट करने हैं कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन सभी क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हर एक टॉपिक से आपको एक एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पढ़ने वाला है। 100% आपको हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पड़ेगा। तो आप इनको जरूर से ट्राई कर ले। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कोई भी एक रफ नोटबुक ले ले, जैसे कि हम स्कूल टाइम में लेते थे, और उसमें अपने मैथ के हर एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके उनके फॉर्मूलाज लिख के वहीं पर आप जितने भी तरह के क्वेश्चन उस टॉपिक से आते हैं उनको नोट आउट कर ले, ताकि आपको एग्जाम में जाने से पहले एक बार आप उसको चेकआउट कर ले कि कहाँ किस तरह से कौन सा फॉर्मूला लगा के और कौन सी ट्रिक्स लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एवरेज का कॉन्सेप्ट। एवरेज को भी आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। इन सब टॉपिक से आपको एक एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इन सब टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लेना ताकि आपकी मेरिट बन सके। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। नेक्स्ट है आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट से लेकर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत बार आते हैं। तो ये भी आपने कर लेना है इसको। और इसमें कुछ नहीं है, फॉर्मूलाज जो इनके होते हैं वही यूज होते हैं। तो उन फॉर्मूलाज को आपने नोट आउट कर लेना है। अगर इसकी आपको कहीं से सिंपल से ट्रिक्स भी मिलती है तो ट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप जल्दी से उनको एग्जाम में कर पाओगे। तो ट्रिक्स भी आपने याद कर लेनी है। नेक्स्ट है आपका डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और उसके बाद है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन लगभग हर साल एग्जाम में देखने को आता है, जब भी एग्जाम पुलिस का होता है। तो नेक्स्ट है आपका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। वो आपने ट्रेन वाले क्वेश्चन देख रखे होंगे कि ये ट्रेन यहाँ से इतने बजे निकली और इतने समय में इसने दूसरी ट्रेन को क्रॉस किया, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई या इसकी स्पीड बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एचपी पुलिस एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो ये कुछ जो टॉपिक मैंने आपको इससे अभी बताए, इन टॉपिक्स को तो आप ये रखिए कि आप 100% आपके मैथ के आने ही आने हैं। तो इन सभी टॉपिक्स से आप क्वेश्चन बना के अपनी एक स्पेशल नोटबुक रख ले, जिस नोटबुक को आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार चेकआउट करेंगे कि कहाँ कहाँ किस किस तरह के फॉर्मूला या फिर रूल आपने वहां पर अप्लाई करने हैं। नेक्स्ट है आपका मेंसुरेशन। आपकी ज्योमेट्री होगी, आपका एलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री होगी, और एंड में आता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। ये
इनके चांसेस कम होते हैं एग्जाम में आने के, लेकिन फिर भी ये टॉपिक्स आपने क्लियर करने हैं, इनसे हो सकता है एक दो प्रश्न आपके जरूर आए, तो इनको भी आपने अच्छे से देख लेना है, अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। तो दोस्तों यही थे HP पुलिस में जो भी आपके मैथ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन और जितने भी टॉपिक्स आपके मैथ से आने थे वो यही है। तो आई होप आप लोग एक स्पेशल नोटबुक बना के उसमें इन सब टॉपिक्स को लिख लेंगे और इनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चन जो भी बनते हैं उनको ज़रूर से आपने सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है, मैथ की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, साथ में रीजनिंग की भी प्रैक्टिस करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी रीजनिंग की आने वाली है, तो रीजनिंग आपका बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो रीजनिंग की तरफ भी आपने ज़्यादा ध्यान देना है। तो जब भी आप मैथ करने लगते हो तो उससे पहले आप रीजनिंग का कोई भी एक टॉपिक चेक कर सकते हो, रीजनिंग और मैथ को आपने साथ में समय देना है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जल्दी ही हम कुछ नया करने जा रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, वो आपको थोड़ा सा सस्पेंस में रखेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।